जी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी के दिन हम बड़े जोरों शोरों से गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत कब हुई? देखिए, वैसे तो इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन भारत में जब पेशवाओं का शासन था तब पुणे के प्रसिद्ध राजमहल शनिवारवाड़ा में बड़ी धूमधाम से पेशवाओं के कुल देवता गणपति बप्पा की पूजा की जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने शासन काल में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, इस त्योहार की चमक फीकी पड़ने लगी। अंग्रेजों ने इंडियंस के एक जगह पॉलिटिकल गैदरिंग करने पर बैन लगा रखी थी, इसलिए साल 1893 में मशहूर क्रांतिकारी श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी के दिन जगह जगह गणेश पंडाल लगाना शुरू किए, जहां लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाया करते थे और एक साथ मिलकर बप्पा की पूजा करने से लोगों में धार्मिक भावनाएं और हिम्मत भी बढ़ने लगी। और इसलिए आज की ये कहानी है नागपुर के धर्मपेट की, जहां के ऑरेंज सोसाइटी में हुई बप्पा के मनमोहक मूर्ति की स्थापना। शाम को आरती के समय सोसाइटी के सभी मेंबर्स गणेश पंडाल पहुंच गए और वहीं आ गया उसी कॉलोनी में रहने वाला सेक्रेटरी साहब का सबसे नटखट और शैतान बेटा युवान। पूजा की तैयारी में बिजी पंडित जी से युवान कहने लगा, पंडित जी आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा ये छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि प्रसाद में क्या बना है। पंडित जी ने भी कॉन्फिडेंस से कह दिया, हाँ हाँ पूछो। तो युवान ने पूछा, न्यम न्यम, क्या बप्पा सच में इस मूर्ति में रहते हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। लेकिन युवान ने फिर पूछा, पंडित जी मेरी मम्मी कहती है कि बप्पा तो हर जगह रहते हैं, आपके मेरे हम सबके अंदर, तो हर साल हम बप्पा की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ क्यों बिठाते हैं? पूजा ही करनी है तो ऐसे आंखें बंद करो और कर लो पूजा, बप्पा जी के लिए इतना बड़ा पंडाल इतनी सजावट क्यों पंडित जी? उस छोटे से युवान की इतनी बड़ी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे और उससे भी ज्यादा लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि अब पंडित जी अनोखे सवाल का क्या जवाब देंगे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने सही कहा बेटा, बप्पा तो हम सभी के भीतर है, मगर फिर भी हम बप्पा की मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि बप्पा के विशाल रूप को देखकर हमारे मन को शांति और शक्ति मिलती है। बप्पा की मूर्ति स्थापित करना और विसर्जन करना हमारे जीवन चक्र को दर्शाता है। हमारे बप्पा विघ्नहर्ता माने जाते हैं। जब हम बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ हमारे विघ्न भी टल जाते हैं। और रही बात इस पंडाल के सजावट और तामझाम की, ये सब तो मनुष्य अपने लिए ही करता है बेटा। पंडित जी की बातें सुनकर आसपास इकट्ठा लोग पंडित जी के और करीब आ गए और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। पंडित जी ने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इस पंडाल में कॉलोनी के सभी लोग बप्पा के दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, जश्न और उत्सव का माहौल बनता है। हम बप्पा की भव्य मूर्ति खरीदते हैं, इससे मूर्तिकारों को रोजगार मिलता है। इस पंडाल को लगाने से मजदूरों की भी आमदनी होती है, पंडितों को भी पूजा करने का अवसर मिलता है। ये जो घंटी की आवाज तुमने सुनी, बप्पा की आरती के समय हम जो ये घंटी बजाते हैं, ये घंटी कई प्रकार के धातुओं के मिश्रण से बनती है। इसकी वाइब्रेशन से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, बॉडी के सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो शंख की आवाज तुम सुन रहे हो, हम जब ये शंख बजाते हैं, इसकी ध्वनि से हवा में तैर रहे कई तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं
और बप्पा की आरती के समय हम जो यूं ताली बजाते हैं उससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। बप्पा के सामने आंख बंद करके प्रार्थना करना एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। बप्पा के सामने चढ़ाए गए ताजा फूलों से हमारे मन को भी ताजगी मिलती है। कई जगह गणेश पंडाल के आसपास भक्तजन भंडारे का भी आयोजन करते हैं, जहां कई जरूरतमंद जाकर भर पेट खाना खाते हैं। और जो ये चंदन, गुलाब, मोगरे की मनमोहक खुशबू वाले धूप और अगरबत्ती जलाए जाते हैं, अरे इसकी खुशबू भी तो आखिर हम स्वयं ही लेते हैं। और साथ में जो ये कपूर जलाया जाता है उससे हवा शुद्ध होती है। प्रसाद में भक्तजन जो लड्डू और मोदक चढ़ाते हैं, भोग लगाने के बाद आखिर हम खुद ही तो खाते हैं। जरा सोचो, यहां ऐसा क्या है जो तुमने बप्पा के लिए किया हो? देखो बेटा, बप्पा को मानो तो बहुत कुछ है उनके पास तुम्हें देने के लिए, और ना मानो तो भी वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वहां मौजूद सभी लोग पंडित जी की बातों से सहमत थे और सभी काफी खुश भी थे, लेकिन वो शरारती बच्चा युवान प्रसाद में बने मोती चूर के लड्डू और मोदक खाते हुए फिर से कहने लगा, न्यम न्यम। लेकिन पंडित जी, बप्पा की मूर्ति विसर्जन का क्या? पानी में बप्पा की मूर्ति विसर्जन करने पर वो पानी तो प्रदूषित हो जाता है ना? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ बेटा कि ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हम बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं। आजकल हम इको फ्रेंडली मूर्तियों की स्थापना करने लगे हैं, जिससे पानी जरा भी प्रदूषित नहीं होता। हम उन मिट्टी की मूर्तियों को अपने घरों में ही विसर्जित करने लगे हैं, और फिर हम उस मिट्टी को घर के गमले में डाल देते हैं। युवान ने फिर से कहा, लेकिन पंडित जी, इस विशाल मूर्ति का क्या? इसे तो हम घर में विसर्जित नहीं कर पाएंगे। पंडित जी ने हाथ जोड़कर मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इस बार हमने जिस बप्पा की मूर्ति की स्थापना की है, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये फिटकरी से बनी है। जब हम इस मूर्ति को पानी में विसर्जित करेंगे तो इससे पानी प्रदूषित नहीं बल्कि और भी साफ हो जाएगा। तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो क्यों ना हम सब भी अब से सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति मनाएं और हमारे इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से भी बचाएं, क्योंकि गणपति बप्पा तो है ही विघ्नहर्ता।